दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस कभी प्रदर्शन का सहारा ले रही है तो कभी कोर्ट का। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों राहुल गांधी के लिए साल 2023 का सबसे बड़ा झटका मोदी सरनेम केस है। एक विवादित बयान की वजह से वह अपनी सांसदी तक गवा बैठे हैं। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी राहुल गांधी अडानी समूह के मुद्दे पर चुप होकर नहीं बैठे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। जी हां, 5 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार से सत्यमेव जयते अभियान की शुरुआत करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाला बयान जिस जगह से दिया था, जिसके लिए उन्हें मानहानि में दोषी पाया गया और उनकी लोकसभा की सदस्यता अयोग्य करार दी गई, वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि राहुल अब इसी मिशन पर आगे बढ़ेंगे। डीके शिवकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्यमेव जयते आंदोलन की जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर शिवकुमार ने कहा, राहुल गांधी की अयोग्यता का मुद्दा कोलार में उनके भाषण से शुरू हुआ था। अब 5 अप्रैल को राहुल गांधी कोलार आकर सत्यमेव जयते आंदोलन शुरू करेंगे और यह पूरे देश में चलेगा। दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी कोलार की धरती से बदलाव का संदेश देंगे। उम्मीद है कि इस रैली में राहुल गांधी फिर से आक्रामक तेवर में दिखेंगे। इस बार अडानी मुद्दे को जनता के सामने मुखर होकर रखने का काम करेंगे। दोस्तों बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कर्नाटक के कोलार से सत्यमेव जयते आंदोलन शुरू हो रहा है। तो क्या ये आंदोलन दक्षिणी भारत में बीजेपी के एकमात्र किले को ध्वस्त करने में कारगर साबित होगा? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं और समर्थकों का सोशल मीडिया पर मेरा घर आपका घर कैंपेन शुरू हो गया है। इस कैंपेन के तहत राहुल के समर्थक सोशल मीडिया पर अपने अपने घरों की फोटो डालते हुए लिख रहे हैं कि मेरा घर राहुल गांधी का घर। दोस्तों राहुल गांधी लगातार यह कह रहे हैं कि आरएसएस भाजपा को सिर्फ सामान्य चुनावी राजनीति से पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को संचालित करने वाली करीब करीब सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों इसी सोच के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था, जिसका बड़ा असर भारतीय समाज और राजनीति दोनों पर पड़ा। राहुल का एक नया संघर्षशील व्यक्तित्व सामने आया। राजनीतिक गलियारों में उन्हें गंभीरता से लिया जाने लगा। अब उन्हें पप्पू के रूप में प्रस्तुत करने की भाजपा की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। दोस्तों सत्यमेव जयते आंदोलन के लिए कर्नाटक कोलार का चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की तरह इस आंदोलन में भी राहुल गांधी को जनता के बुनियादी मुद्दों को केंद्र में रखना होगा। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के बाद सत्यमेव जयते आंदोलन से राहुल गांधी को कितनी कामयाबी हाथ लगेगी, कितनी हासिल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी राहुल के इस आंदोलन पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।